मंडी कब तक चढ़ेगी? आप घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल की अपनी विफलताओं को छुपा नहीं पा रही। 45 साल में पहली बार इतनी बेरोजगारी की दर बढ़ी, पर व्यक्ति आय बांग्लादेश से भी कम हो गया, नेपाल से भी कम हो गया, करने का कोई विजन नहीं है। झगड़ा लगा करके कितनी बार आप सरकार बनाने का प्रयास करोगे यार? हर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो आगरा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सब लोगों से तो हिंदुस्तान बनता है। तो हिंदुस्तान का कोई वर्ग खुश नहीं है। आपके साथ जिस हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान है। सर कैसे देख रहे हैं, 5 चरणों का चुनावी प्रचार थम गया है, कल वोटिंग भी होना है, तो कैसे देख रहे हैं सभी बिहार में, किस समीकरण कैसे देख रहे हैं? घर वापसी हो रही है दो नेता की, माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय गृह मंत्री जी, गुजरात की घर वापसी, वो इस पूरे चुनावी माहौल का परिणाम है। कार्ड की हांडी कब तक चढ़ेगी? आप घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल की अपनी विफलताओं को छुपा नहीं पा रही है। वो तो बोल रहे हैं कि 10 साल के पास मेरा रिपोर्ट कार्ड भी है मेरे पास, और अगले 2047 तक हमारे पास विजन है। अच्छा, तो चमड़े की जुबान है, हम कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आंकड़े भी तो चाहिए। स्टडी क्यों करता है लोग, रिसर्चर रिसर्च करता है। पूरे देश में 45 साल में पहली बार इतनी बेरोजगारी की दर बढ़ी, पर व्यक्ति आय बांग्लादेश से भी कम हो गया, नेपाल से भी कम हो गया। ये जो 80 करोड़ आदमी को दाना दे रहे हैं आप 5 किलो का, हालांकि यह स्कीम तो मनमोहन सिंह के ज़माने के 2013 के राइट टू फूड के मामले में था, तो कोई भी आएगी देगी उसको आप एहसान बना रहे हैं। तो नमक, तेल, मिर्चाई, हल्दी, ये सभी तो चाहिए, भरता, आलू, सब्जी, तो आप दे क्या रहे हैं? और अगर आपने 10 साल में इतना विकास कर लिया है कि ट्रिलियन एंड ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, तो 80 करोड़ बचा कैसे, कहाँ से बचा? तो इसलिए बेवकूफ़ बनाने के नए नए सिनेमा भारतीय जनता पार्टी ना बनाए। जनता ने समझ लिया है, हर घर में बेरोजगार लोग हैं। उसके बाद कीमतों में जो इजाफा, बैकग्राउंड क्या था बीजेपी का? बैकग्राउंड ये था कि कीमतें बढ़ गई हैं, सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल बढ़ गया है, डॉलर के मुकाबले में रुपया कमज़ोर हो गया, उल्टा हो गया। डीजल पेट्रोल 66 रुपये से 95 पे आ गया, दाल अगर 40 था तो 160 पे आ गया, सिलेंडर 400 था, 600 था, 1150 आ गया। तो जब उल्टा हुआ ना, तो सिलेंडर वाली सरेंडर कर रही है, जैसे वहाँ अमेठी में सरेंडर हो गई ये लोग, क्योंकि इनके पास काम करने का कोई विजन नहीं है। झगड़ा लगा करके कितनी बार आप सरकार बनाने का प्रयास करोगे यार? महाराजगंज लोकसभा में कैसे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर माहौल, क्या देख रहे हैं? महाराजगंज में हमको लगता है, जिस तरह से मैं आ रहा हूँ, पहले भी आया था, कि समाज का हर वर्ग तो दुखी है। समाज के हर वर्ग में गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, और हर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो आगरा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सब लोगों से तो हिंदुस्तान बनता है। तो हिंदुस्तान का कोई वर्ग खुश नहीं है, सब नाराज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे कर रहे हैं और आ रहे हैं, फिर भी महाराजगंज लोकसभा में क्या करें, गारंटी की बात बता रहे हैं, हमने क्या गारंटी है, हमारे क्या विचार? उनका गारंटी तो चला नहीं, और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो घरे घरे लोग पढ़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जो बात कहती है उसको मानती है। राजस्थान चले जाइए, इसके पहले की सरकार 500 रुपये में सिलेंडर देती थी, फ़ोन कर लीजिए, पता कर लीजिए, अब तुरंत वो स्कीम बंद हो गई है। कर्नाटक में हम दे रहे हैं, तेलंगाना में हम दे रहे हैं, तो कांग्रेस की गारंटी गारंटी होती है, झूठ का जुमला नहीं होता है। क्या लग रहा है बिहार में कितने सीट, वो तो बीजेपी 40-40 उलट गया मामला ना, पहले 39 थे वो लोग, अब 39 हमारा ना होगा जी। अब इतना विफलता के बाद जनता जो भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, 3 चरण का 4 चरण का चुनाव हो गया, तो बचा क्या, खेल खत्म, इसी तो क्या घर वापसी। मोदी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं बिहार में, कल भी आ रहे हैं, कल पटना में भी रहेंगे, उसके बाद यहाँ भी आएंगे। अच्छा, तो क्या करें,
अब तो उनको जुमले भी नज़र नहीं आ रहे हैं, कभी बोलते हम ही बात नहीं बोले हैं, अपने ही बयान को जब कोई पत्रकार पूछते हैं तो कहते हैं ना हमारा ही बयान नहीं है। तो उनको ऐसे लगता है दो भैंस बनी रहेगी, दो जानवर में एक वो ले जाएगा एक वो, इसे प्रधानमंत्री के बोले कह रहे बोलिए ना कि आपने नौकरी कितनी दी, आपने बेरोजगार को रोजगार कितना बनाया। बेरोजगार को रोजगार बनाने का उनके पास तरीका है, को नाला में पाइप डालिए चाय की दुकान खुल जाएगी, ऐसे थोड़े होता है। उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है, एक कोई दुकान हो चाय की हो फल की हो सब्जी की हो, सबके लिए तो पूंजी की आवश्यकता होती है, कंफर्ट जोन बनाना पड़ता है, तो है नहीं। तो सिनेमा देखिए आप रोज़ाना बूट सूट की, सूट बूट की सरकार अब वापस बैरक जाएगी अपने बैरक में। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान का, इस्तमाम कुरबान न्यूज़ पॉइंट के साथ, नमस्कार।